Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हमने क्या किया था बेटा, अभी हमने लेस ट्राई टू द कंप्लीट किया था, आज हम लेस ट्राई थर्ड करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, लेस फाइन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जब डिजिट हमारा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आता है तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। एंड अगर हमारा डिजिट ऊपर और नीचे बराबर उसको ट्वेल्व करता है तो भी हमारे को इक्विवेलेंट होता है। अब इसमें देखिए, फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं जैसे 3/5। ठीक है, 3 × 2 एंड 3 × 3 एंड 5 × 2 एंड 5 × 3 मीन्स जैसे 3 × 2 क्या हो गया, 6/10 एंड 5 × 2 10। ठीक है, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। एंड 3 × 3 = 9 एंड 5 × 3 = 15 यहाँ पे 9 और 15। अब देखिए, जब हम 3 को डिवाइड इसको डिवाइड करते हैं तो ठीक है, 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड 5 × 2 = 10 देखिए 3 × 2 = 6 एंड 5 × 2 = 10 देखिए हमारे ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। एंड इसी टाइप से हमारा जो 9 और 15 है, ये देखिए 3, तो 3 × 3 = 9 एंड 5 × 3 = 15 देखिए ये हमारा क्या है, सेम आना है। डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों हमारा सेम आया है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 3 × 2 = 6 ठीक है एंड 5 × 2 = 10 इक्वल आया है। एंड 3 × 3 = 9 एंड 5 × 3 = 15 ये देखिए इक्वल आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट है। सेकंड देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, रिवर्स करते हैं ठीक है, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 5 = 10 देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट आया है, सेम है। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 5 = 15 ये देखिए सेम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट में डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों ही हमारे सेम। तो देखिए यहाँ पे 2/3 आर, 4/6 6/9 8/12 10/15 ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे इक्विवेलेंट है। कैसे, ये देखिए 2 × 2 = 4 ठीक है, 2 × 2 = 4 एंड 3 × 2 = 6 ये देखिए 2 आ रहा है, ये इक्वल डिजिट है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब यहाँ पर देखिए 6/9 है, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 3 = 9 ये देखिए ये इक्विवेलेंट सेम है। अब यहाँ देखिए 2 × 4 = 8 एंड 3 × 4 = 12 अगर हम 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो देखिए सेम आ रहा है। अब ये देखिए 2 × 5 = 10 एंड 3 × 5 = 15 ये भी हमारा सेम आ रहा है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपका डिस्कस के लिए बोला 3/4 6/8 12/16 तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप आपस में डिस्कस करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे क्या होगा आपका, 3 × 2 = 6 है एंड 3 × 3 = 12 दिया है ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 16 आगे उसको जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है इसी टाइप से आप उसको टेबल को काउंट करके देखेंगे एंड उसे डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब आइए लेस्ट राइट थर्ड, लेस्ट राइट थर्ड में फर्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, टेक अ लॉन्ग पेपर स्ट्रिप, एक लंबी सी पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है आपको, फोल्ड इट इन टू इक्वली हेवल्स और उसको बीच में से फोल्ड करना है ठीक है। फिर शो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, हमें 1/2 को बताना, फ्रैक्शन को शो करना है। तो यहाँ देखिए आपको शो करके बताया है, इसने एक पेपर लिया उसको 2 times फोल्ड किया है ठीक है, ऐसे पेपर लिया है, मान लीजिए हमारी बुक है, ये पेपर है और इस पेपर को इसने ऐसे फोल्ड किया है ठीक है। तो ये 2 parts हो गए अगर हमने ओपन किया, और अगर हम इसे ऑफ करते हैं तो ये 1 part है, अब ये 2 part है ठीक है। इसी टाइप से इसने 2 parts किए हैं, तो 2 parts में इसलिए 1/2 एंड 1/2 ठीक है, क्योंकि नीचे पार्ट्स 2 है ना, लेकिन इक्वल में डिवाइड किए तो 1/2 आएगा। सेकेंड आपने यहाँ पे दिया है 2/4 को हमें शो करना है ठीक है। तो 2/4 को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पेपर स्ट्रिप्स को 2 times फोल्ड किया, जैसे हमने इसे अभी 1 time ऐसे फोल्ड किया था, फिर इसे हम एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे ठीक है। तो 4 parts हो जाएंगे मीन्स 1/4, तो यहाँ पे देखिए 4 parts डिवाइड है एंड 2/1, अगर हम 2 parts को लेते हैं तो 2/4 में वो शो होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें 4/8 को सॉल्व करना है। 4/8 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लंबी सी पेपर की स्ट्रिप्स लेंगे और उसको 8 times ठीक, कितने टाइम्स ऐसे ठीक है, 2 times हुआ,
फिर फोर टाइम्स हुआ, फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो आपके एट पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वन अपॉन एट, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 4/8 को शो करने के लिए हमने एक लंबी पेपर स्ट्रिप्स ली, ठीक है। उसको हमने फर्स्ट टाइम फोल्ड किया तो 2 पार्ट्स में, फिर हमने फोल्ड किया तो 4 पार्ट्स, एंड हमने फिर फोल्ड किया तो 8 पार्ट्स। तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है, एंड 1/8 यहाँ पे है। तो 4 टाइम्स होगा, लेकिन हमें शो कितना करना है, 4/8 शो करना है। अभी कितना है, 8/8 है, तो हमने यहाँ पे 4/8 को यहाँ से शो कर दिया। कितना हमारा ये है 1/8, अगर आप ऐड कर दो तो 4/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या करना है, सत्ता था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके कर दी, बाकी के आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, आपको क्वेश्चन है सत्ता था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे हमें क्या करना है, सत्ता करना है। तो यहाँ पे 1/2 दिया है, तो यहाँ पे जितने हमें 1/2 आते हैं वो हमें शो करने हैं, ठीक है। अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 वजह 2 एंड 2 2 4 होता है, ठीक है। और अगर हम इसे करते हैं यहाँ से 1 2 2 एंड 2 2 4, देखिए ये हमारा 2/2 आ रहा है, सेम आ रहा है, ये क्या है, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे क्या है, 2/2 है। अब हम देखिए 1/5 एंड 2, इसको अगर हम करेंगे तो 2 4 8 एंड यहाँ पे 5 5 एंड 4 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं 6 पे, तो देखिए 6 6 एंड 6 2 12, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इससे काटेंगे, यहाँ पे देखिए तो है, यहाँ पे 2 6 12 हो जाता है एंड 6 1 6 हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारा 3, ठीक है, 3 भी हमारा इक्विवेलेंट है, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये 3 हमारे इक्विवेलेंट है। इसी टाइप से आपको आगे के करने हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया, राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया है 1/2, ठीक है, उसके बाद 2/4, ठीक है, उसके बाद 3/6 एंड 4/8, 5/10 एंड 6/12। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आई थिंक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, जैसे ये है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 1 है तो यहाँ पे क्या होता है, 2 1 2 एंड 2 2 4 एंड फिर 1 3 3 एंड 2 3 6, फिर 1 4 4 एंड 2 4 8, ये देखिए सब इक्वल वैलेंट आ रहा है ना। उसके बाद 1 5 5 एंड 2 5 10, 1 6 6 एंड 2 6 12, ये देखिए सारे आपके क्या हैं, सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है, आर दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, राइट आ येस और नो इन द स्पेस ब्लू। आपको जो जगह दी हुई है उसमें आपको बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं, येस और नो में आंसर देना है। तो फर्स्ट वाला आपका जो है वो क्या है, नो, वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग हैं, सेम नहीं है। हमारा इक्विवेलेंट में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम होना चाहिए। बी पॉइंट है आपका 15/20 एंड 3/5, वो भी हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। सी 2/3 एंड 8/12, वो क्या है, हमारा इक्विवेलेंट है क्योंकि 2 4 8 एंड 3 4 12, ठीक है, दोनों क्या है, सेम आएगा। उसके बाद डी है, डी भी आपका इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि 9/15 दिया है 3/5, तो 3 3 9 एंड 5 3 15, दोनों में 3 3 आएगा। उसके बाद आपका ई है, ई में भी नो है, एफ में नो है, जी में नो है, एच में यस है एंड आई में यस है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द डायग्राम 1 हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो
आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग यूजिंग अ डायग्राम। हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें हमें इक्विवेलेंट बताना है, उसमें एक हमें क्या है ऑलरेडी सॉल्व है। तो फर्स्ट देखिए, आपका मान लीजिए आपके 100 बॉक्सेज हैं, कितने बॉक्सेज हैं 100 है, और इसमें से 10 बॉक्सेज हमें फिल कर देने हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 10/100 हुआ, ठीक है। अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 10 × 10 = 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमें 20 बॉक्सेस फिल हुए हैं, ओके। ये हमारा बी पॉइंट है एंड ये हमारा ए पॉइंट है। सेकेंड में हमें बताना है, ये ऑलरेडी हमें इसमें सॉल्व किया है, अब 20/100, ठीक है। तो यहाँ पे 10 × 2 कितना होगा 20 एंड 10 × 10 हमारा 100 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1/10 के बाद 2/10 आया, ठीक है। अब 3/10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/10 के लिए देखिए 75, अगर आप हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें से सिर्फ यहाँ पे 25 बॉक्सेस छोड़ के बाकी सारे के बॉक्सेस हमें क्या कर रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सी पॉइंट पर आ जाते हैं। सी पॉइंट पर देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 75 दिया है, 75/100 दिया है, ठीक है। तो आप 75/100 25 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। 25 3 एंड यहाँ पे 100 पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि 25 3 से कितना है 75 एंड 25 4 से कितना हो गया 100। इसी टाइप से जो लास्ट वाला आएगा उसमें आपका 6/10 आएगा, 6/100 आएगा, क्यों सॉरी 10 आएगा, ठीक है। तो 6/10 क्योंकि जो वहाँ पे हमारे कितने बॉक्सेस फिल हैं, 60 बॉक्सेस फिल हैं, ये डी वाला है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के बता रही हूँ, 60/100 दिया है, ठीक है। तो 10 × 60 एंड 10 × 10 = 100। अगर इसे आप लाइन वाइज देखते हैं 1/10 फिर 2/10 फिर 3/4 एंड 6/10, तो ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आप इसे सॉल्व करते तो यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसमें पूछा है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आप कैसे बताएंगे। देखिए 3/5 है, ठीक है, अब 18/25 है, ठीक है। तो अगर आप इसे 6 से करते हो तो 6 × 3 = 18 तो होता है, और 6 × 5 = 30 होता है 25 में, और अगर आप 3 से करते हो तो 3 × 6 = 18 तो होता है, बट आपका जो है यहाँ पे 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 6 = क्या होता है 30 होता है। अगर यहाँ पे 30 होता तो ये इक्विवेलेंट होता, बट 30 नहीं है 25 है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे नो इक्विवेलेंट, ओके। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे बेटा आपका लेस्ट का है 3rd कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है लेस फाइंड आउट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है।